नगरी आगरा में बीते दिनों हुई रुनकता में बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसका पुलिस ने वर्कआउट कर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 1,12,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। एक अपाचे बाइक और तमंचे सहित कारतूस भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। 16 मई को रुनकता सिकंदरा थाना में एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यापारी को गोली मारकर उनसे एक थैला छीन लिया गया था। ये डकैती की घटना हुई थी, जिसमें 6 आदमी लिप्त बताए गए। आज हमने दो बदमाश उसमें से गिरफ्तार कर लिए हैं। इस मामले का खुलासा उन्होंने किया हुआ है। ये पूरा एक गैंग है, जिस गैंग का सरगना है मुंगेरी नाम का अपराधी। इस गैंग में 6 लोग हैं टोटल, जो 2 आदमी पकड़े गए हैं। उन्होंने बाकी लोगों के जो नाम बताए हैं, पहले तो जो आदमी हमने पकड़े हैं उसमें से एक अजय है, जो थाना सैया जिला आगरा का रहने वाला है, और दूसरा है रुस्तम, जो लोकल में रुनकता में भी रहता है। इसके अलावा जो अपराधी प्रकाश में आए हैं, इस गैंग का लीडर है मुंगेरी पुत्र मोहनलाल, ये थाना अचनेरा आगरा का रहने वाला है। इस पे कई मुकदमे पहले भी पंजीकृत हैं। रुस्तम जो पकड़ा गया है, इस पे भी मुकदमे हैं। एक अन्य अपराधी है चांद, जो कि अचनेरा का रहने वाला है। आज पकड़े गए अपराधियों ने 2 और अज्ञात लोगों का नाम के बारे में बताया है कि 2 और व्यक्ति थे, जो ग्रुप लीडर इनका था वो लेके आया हुआ था। पकड़े गए अपराधियों से जो हमने बरामदगी की है वो है लगभग 1.25 लाख रुपए है, 2 तमंचे हैं, मैं कारतूस, और घटना में प्रयुक्त जो सफेद रंग की अपाचे बाइक थी वो हमने बरामद की है। बाकी फरार अभियुक्तों को हम दबिश दे रहे हैं और जल्दी ही उनको गिरफ्तार करेंगे और बाकी की बरामदगी करेंगे। पुलिस के मुताबिक घटना में शामिल 3 लोग फरार हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मथुरा आगरा में सराफा व्यापारियों को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि आगरा में सराफा व्यापारी की गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद सूबे की योगी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगे थे। लेकिन आगरा पुलिस ने इस मामले में कड़ी शिद्दत कर खुलासा कर दिया है। अनुप गंगवार, यूपी की आवाज़।